नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मास 24 न्यूज और मैं हूं राहुल शर्मा। दोस्तों, आज हमारे स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे, अब पंचायती राज विभाग के बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूं। तो ये पंचायती राज विभाग का मैंने एक फार्मा तैयार किया है, एक उसका कैसे उनका पद का जो कैसे कैसे कैटेगरीज है वो मैंने एक बनाया है। कौन से पद पर कौन से लोग आते हैं, कैसे काम करते हैं, मैं आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपसे बात करूँगा। तो ये जो पद जितने भी होते हैं ये पूरे मंत्रिमंडल के अंदर आते हैं। मंत्रिमंडल के नीचे प्रधान सचिव या सचिव होते हैं। सचिव का प्रधानमंत्री सॉरी प्रधान सचिव या सचिव के दो छोर होते हैं। पहले छोर पे निर्देशक होते हैं। तो पहले हम निर्देशक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप निर्देशक के अंदर जो होते हैं दो लोग काम करते हैं। पहला होता है मुख्यालय और दूसरा होता है क्षेत्रीय। मतलब एक मुख्यालय के तौर पर काम किया जाता है, दूसरा क्षेत्रीय के काम तौर पर काम किया जाता है। तो पहले हम मुख्यालय की बात करेंगे। मुख्यालय का मतलब ऑफिस, जो ऑफिस के अंदर जो भी काम होते हैं। तो ऑफिस के अंदर दो लोग होते हैं। पहले संयुक्त निर्देशक होते हैं जो निर्वाचन के लिए चुने जाते हैं। मतलब निर्वाचन का मतलब होता है कि गणना करने वाले जो लोग होते हैं वो गणना करने का संयुक्त निर्देशक होते हैं। दूसरा होता है संयुक्त निर्देशक जो अनुसरण करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के नीचे एक पद होता है, एक पद, उस पद का नाम होता है अनुसरण पदाधिकारी। अनुसरण के पदाधिकारी होते हैं। उनके नीचे भी एक लोग होते हैं, वो होते हैं सहायक निर्देशक। और उनके नीचे भी एक लोग होते हैं, वो होते हैं प्रशाखा पदाधिकारी। तो ये तो पूरी की पूरी बातें थी मुख्यालय के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो निर्देशक के अंदर का पहला छोर होता है। अब निर्देशक का जो दूसरा छोर है वो है क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय के नीचे उप निर्देशक पंचायत होता है, जो प्रमंडल स्तर पर होता है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है। उसके नीचे जो होता है पर्याचय, मतलब उप निर्देशक पंचायत के अंदर दो पद होता है। पहला पद होता है पर्याचय, जो प्रशिक्षण के लिए होता है, और दूसरा पद होता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी। तो पर्याचय जो है प्रशिक्षण के लिए, उसके नीचे भी एक और पद होता है, वो होता है व्याख्याता का। व्याख्याता, तो ये थी, ये जो पूरी डिटेल्स मैंने बताई है ये प्रधान सचिव या सचिव के पहले छोर का था, जिसके अंदर निर्देशक हैं। निर्देशक के अंदर ये सारे पद आते हैं, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे निर्देशक, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको आ जाता है। अब हम प्रधान सचिव या सचिव के दूसरे छोर की बात करते हैं। तो दूसरे छोर पे संयुक्त सचिव, दो संयुक्त सचिव होते हैं। दो संयुक्त सचिव के नीचे एक उप सचिव होता है। जैसे आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वैसे ही संयुक्त सचिव के नीचे उप सचिव होते हैं। अगर संयुक्त सचिव को जैसे भी कुछ हो जाता है तो उप सचिव उनके जगह पर काम करेंगे, ऐसा इसमें सिस्टम होता है सारा। तो उप सचिव के नीचे भी एक लोग होते हैं जिसको अवसर सचिव कहा जाता है, और अवसर सचिव के नीचे एक प्रशाखा पदाधिकारी होते हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी डिटेल बताया, ये पंचायती राज विभाग का पूरा डिटेल था, जिसमें प्रधान सचिव के नीचे कौन कौन से लोग काम करते हैं, कौन कौन सा मुख्यालय होता है, कौन कौन सा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कितने लोग होते हैं और उनका क्या काम होता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि हमारे चैनल का हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।